आ जाओ भी दोस्तों, घुमाते हैं आपको वेगस। और जो अंकल खड़े हुए ना सामने, होमलेस है बेचारे, पैसे मांग रहे थे, हमने $5 दिए उनको और एक सिगरेट पिलाई, तो खुश हो गए थे, कह रहे कि तू मेरे को भी ले सकता अपने वीडियो में, कोई बात नहीं है। गॉड ब्लेस। तो हमने उनको भी ले लिया छोटा सा वीडियो में अपने। यूट्यूब और मैंने इससे पहले 7 वीडियो लगाए हैं और वेगस के, सब रात के हैं। ये पहला वीडियो लगा रहा हूँ जो दिन के समय का है। ये इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप इसको देखकर फील कर सको कि रात के और दिन के वेगस में क्या फ़र्क होता है। और सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, ये होटल का नाम है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, और स्ट्रिप के ऊपर अनगिनत होटल हैं। जो बड़े होटल जितने भी हैं उन सब के मैंने वीडियो बनाए हैं और वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। और ये जो आपको होटल दिख रहा है सफ़ेद रंग का, इसकी लाल वो कोनिकल शेप की वो टॉप्स दिख रहे हैं, इसका नाम है एक्सकेलिबर। और अंदर से मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने ये बाहर से बनाया है। तो दिन में आप देखो ये कैसा है और आप इसको रात में देखना। मैंने रात का एक वीडियो लगा रखा है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देखना और रात और दिन का डिफरेंस देखना कि आपको पता लगेगा क्या फ़र्क है। और बहुत सारे जो होटल्स हैं वो स्ट्रिप के दोनों साइड में हैं और वो जुड़े हुए हैं एक छोटे से ब्रिज से। तो एक साइड में इधर ये है एक्सकेलिबर और इसके सामने न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में मैं ख़ास तौर से आपको लेके जाऊंगा आपको दिखाने के लिए, शायद वो चीज़ आपने किसी ने देखी हो जो अमेरिका में रहता है या कभी वेगस आया हो, लेकिन वो एक यूनिक चीज़ है जो इससे पहले मैं कोक स्टोर में दिखा चुका हूँ। और आप देखो वो दंग रह जाओगे देखकर। तो चलो लेके चलता हूँ आपको न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क होटल में, जिसकी ये बिल्डिंग सामने आप देख रहे हो, और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या ख़ास चीज़ है उसके अंदर एक। चलो आओ फिर चलते हैं। अगर आप अमेरिका में रहते हो तो आपने हर्शीज़, रीसेज़, जॉली रेंचर इन कैंडियों के नाम सुने होंगे, और हो सकता है बाहर कहीं रहते हो सुने हो। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हर्शीज़ का ये स्टोर देखा नहीं होगा और ना ही इसके बारे में सुना होगा कि यार ऐसा भी कोई स्टोर है हर्शीज़ कैंडी का जिसको हम खाते हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं, उम्मीद है कि कुछ लोगों को उसमें मज़ा आएगा। जिन्होंने देख रखा है उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनको मज़ा आएगा देख के। और चलते हैं अभी दिखाते हैं आपको, हर्शीज़ वर्ल्ड नाम है उसका, और मज़े लेना आप देखना उसको। और वो सामने जो आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर की बिल्डिंग, MGM ग्रैंड होटल है, मैं इसी में ठहरा था और मैंने इसका वीडियो बना रखा है, लेकिन वो एंड में लगाऊंगा सबके, इसका वीडियो और फिर वेगस से वापस वैंकूवर आने का वीडियो मैं बाद में लगाऊंगा। चलते हैं चलो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क की तरफ और दिखाते हैं आपको। और हाँ एक और बात, कि ये जो स्ट्रिप है, ये जो एक पट्टी है पूरी, इस पट्टी पे ही सारे, या इस स्ट्रिप के ऊपर ही सारे होटल्स हैं। और ये 4.2 माइल की है, या अगर आप इसको किलोमीटर पर कहो तो लगभग 6.8 किलोमीटर की है, कि ये पूरी रोड है जिसके ऊपर दुनिया के कुछ बेहतरीन होटल्स और अनगिनत कैसिनोज आपको मिलेंगे देखने के लिए, जहाँ सारी दुनिया से लोग आते हैं घूमने के लिए। तो चलो चलते हैं फिर, दिन का नज़ारा देखो और रात का नज़ारा देखना है इसी जगह का, तो लिंक में जाके देखना आप उसको ज़रूर से, मज़ा आएगा आपको देख के। चलो आ जाओ फिर, एंटर होते हैं न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क होटल में। और यार वेगस की एक बड़ी मस्त बात है कि कहीं घुस जाओ कैमरा लेके अपना, वीडियो बनाओ, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। कितना बड़ा होटल हो कोई नहीं पूछेगा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो,
आराम से वीडियो बनाओ आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जैसा एक मामूली सा यूट्यूबर घुस गया, सोच लो, आराम से वीडियो बना रहा, कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं, कोई टोकता नहीं, कोई कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं। जहाँ चाहो चले जाओ, किस दुकान में चले जाओ, उसका वीडियो बना लो। अब किसी आदमी के मुंह पे घुस के उसका वीडियो बनाने लग जाओगे तो यार वो तो बिगड़ जाएगा ना। वरना कोई दिक्कत नहीं, आराम से वीडियो बनाओ आप घूम घूम के। वो सामने दिख रहा हो आपको हर्षी चॉकलेट, हर्षीज़ की चॉकलेट अमेरिका में एक नामी ग्रामी चॉकलेट है और इन्हीं का ही वो प्रोडक्ट है रीसीस। पता नहीं कितने तरीके की रीसीस की कैंडीज आती हैं और उनके जो खास एक कंपोनेंट होता है उनका, वो होता है पीनट बटर। अमेरिका में बनता है और उसको बोलते हैं पीनट बटर। तो देख लो, ये चॉकलेट की दुकान है, रीसीज, हर्शीज और जॉली रेंचर, ये इनकी बहुत मशहूर कैंडियाँ हैं। और यहाँ पर आपको, हाँ, और एक और, ये जो सामने दिख रहे हैं कोन्स, इसका नाम है किसेस। हो सकता है ये कैंडी का नाम सुना हो कहीं आपने, किसेस हर्शीज की, बहुत फेमस कैंडी ये भी। तो यहाँ पर आपको अपनी पसंद की कैंडियों के कप्स, पजामे, टी शर्ट्स, पानी की बोतलें और हुडीज, ग्लासेस, टॉयज, कैप्स, दुनिया का सामान मिलेगा। और सबके ऊपर हर्शीज़ का नाम लिखा होगा या रीसीज़ का नाम लिखा होगा या उनके जो और प्रोडक्ट हैं उनके लिखे होंगे नाम। तो यार देख लो, वेगास में मिलती हैं सब चीज़ें। और कोक का नाम सुना होगा आपने, कोको कोला। एक मेरा वीडियो और लगाया हुआ मैंने कोको कोला का, उसको ज़रूर से देखना अगर आप इसको देख रहे हो तो, प्लेलिस्ट में है वो वेगास की, उसमें आप देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा देख के। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोक के इतने प्रोडक्ट भी होते हैं, कोक ये चीज़ें भी बनाता है। तो जैसे कोक बनाता है डिफरेंट चीज़ें, ऐसी रीसीस की भी। यहाँ पर आपको माला मिलेंगी, खिलौने मिलेंगे और क्या बोलते हैं, देखो, मोज़े, मफलर, ग्लव्स, दुनिया का सामान, पता नहीं क्या क्या। और रीसीस का और आपके हर्शीज या जॉली रेंचर, ये देखो टॉय मिल रहे हैं, सब टॉयज। और वो फुटबॉल मिल रही है, छोटे छोटे और खिलौने हैं सारे हर्शीज के, जो आपको और नॉर्मली अमेरिका में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो वेगास की बात निराली है, जो चीज़ वेगास में मिलती है वो और अमेरिका में नहीं मिलती है। ये देख लो आप, कप्स मिल रहे हैं और ये कलेक्शन है पूरा रीसी से, कितनी तरीके की कैंडियाँ आती हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के सबके कपड़े हैं, देख लो, छोटे छोटे बच्चों के, 6 महीने के बच्चों कपड़े मिल रहे हैं और सब हर्शीज़ के होंगे। सिर्फ सुना होगा आपने हर्शीज़ कैंडी का नाम, खाई होगी कैंडी, लेकिन कपड़े नहीं देखे होंगे बहुत से लोगों ने। कुछ लोग आए होंगे वेगास में, उन्हें पता होगा, लेकिन अमेरिका में रहकर भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि हर्शीज़ के कपड़े भी मिलते हैं या हर्शीज़ की चप्पलें भी मिलती हैं या उनके टॉयज भी मिलते हैं या कप्स, बॉटल्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं। देख लो, आज आपको दिखा रहे हैं। और कभी आओ वेगास घूमने के लिए तो ज़रूर से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क होटल में आना, उसके अंदर हर्शीज़ का शोरूम है। और ये एक और फेमस कैंडी है जॉली रेंचर हर्शीज़ की। और जब आप हर्शीज़ देख लो तो बाहर निकल के जाना अदर साइड, ये देख लो, माला, बुंदे, बबल यम के तकिए, सब कैंडियों के हैं हर्शीज़ की। हाँ, तो मैंने कहा जब इसको आप देख लोगे ना तो बाहर निकल के, और डॉल्स भी मिल रही, देखो जैसे बारबी डॉल होती है ऐसी हर्शीज़ की डॉल्स। तो यार पता नहीं क्या क्या सामान मिलता है। तो जब इससे बाहर निकलोगे तो किसी से पूछना कि M&M वर्ल्ड कहाँ है, तो वो आपको बता देगा। कोई भी बाहर निकल के जाओगे तो फिर M&M वर्ल्ड देखना, मैंने उसका वीडियो बनाया, लगाऊंगा, आपको मज़ा आएगा। फिर एक और कैंडी उनकी ट्विज़लर्स, वो आपको सामने दिख रहा होगा, लाल और वाइट कलर का लिखा हुआ, बहुत फेमस कैंडी वो भी। तो यहाँ पर इस शोरूम में हर्शीज़ की अनगिनत चीज़ें मिलेंगी जो आपको और अमेरिका में कहीं नहीं मिलती हैं। और हाँ, इनका इससे नीचे भी एक फ्लोर था जिसमें और दुनिया भर का सामान मिलता है हर्शीज़ का, मैंने उसको मिस कर दिया, मैं जा नहीं पाया। लेकिन जब आप यहाँ पर आओ घूमने के लिए और हर्शीज़ वर्ल्ड में आओ तो नीचे जाना मत भूलना,
वहाँ पर आपको और अनगिनत चीज़ें देखने को मिलेंगी हर चीज़ की। तो देख लो यार क्या क्या सामान मिलता है, कैंडी तो मिलती है, उसके अलावा और खिलौने, गुड़ियाँ, चप्पल, हुडीज़, टी शर्ट्स, तकिए, नाइट सूट्स, सब हर चीज़ के। उम्मीद है कि कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। और ये हर चीज़ की वाइट चॉकलेट का है सेक्शन, तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को बताना मेरे चैनल के बारे में। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में ब्रेक के बाद। वेगस की प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें 7-8 वीडियो हैं और जब तक ये सीरीज़ मेरी ख़त्म होगी मेरे ख्याल से शायद 12 वीडियो या 15 वीडियो होंगे उसमें, फ्री में वेगस घूमना। जो बच गया वेगस घुमाने से वो जब नेक्स्ट ईयर आऊँगा वेगस तो उनके वीडियो बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। चलो फिर दोस्तों मिलेंगे किसी और अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाय।